ऐसे सवाल आज एक ऐसे दिग्गज से करने वाले हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का बेताज बादशाह कहा जाता है माय डियर, एक ऐसी शख्सियत जिनको भीष्म पितामह ड्यूस और कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में एमपी से हमारे बीच है वन एंड ओनली माय मेंटर द भीष्म पितामह ड्यूस ऑफ मिस्टर संजय चौधरी सर, हैप्पी वेलकम वेब सर, मिस्टर संजय चौधरी सर जबरदस्त ताली से स्वागत कीजिएगा। सर एक सवाल राजस्थान से सुनीता जी जो पूछ रहे हैं वो आपके बारे में सर सुना है उन्होंने कहीं से कि आप एक उद्योग फैक्ट्री रन करते थे सर, तो वो ये जानना चाहते हैं उद्योग फैक्ट्री रन करते हुए आपने बंद करके आपने ड्यूस ऑफ करने का फैसला कैसे ले लिया सर? देखिए सिंपल सी बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं यूनिवर्सिटी में अपनी इंडस्ट्रीज में भाग रहा था और तब मेरा ये था कि 7:45 बजे घर से निकलता था, रात को 11:30 बजे लौट के आता था। जब मैं अकेला था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब शादी हो गई, शादी हो जाने के बाद में कंटिन्यूस में वही मैंने भागा दौड़ मेरा चलता था, 7:45 बजे घर से निकलता, रात को 11:30 बजे लौट के आता। वाइफ को अच्छा नहीं लगता था बट वो मुझे कह नहीं पाती थी। अब क्या है, क्यों नहीं पाती थी मुझे नहीं समझ में आता कि बहुत ज्यादा प्यार करती थी या डरती थी, जो भी है नहीं बोल पाती थी। और मेरे साथ में धीरे धीरे करते करते जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं बेटी से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसके पहले मैं अपनी इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में संघर्ष कर रहा था। और बेटी के आने के ही बाद मैं मेरे घर में मेरी इंडस्ट्रीज में पैसे आना खूब फ्लो आने चला। मतलब यह हालत हुई कि 2 साल के ऑर्डर मेरे पास में ऑलरेडी पहले से ही थे, मुझे नया ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं थी। और इसी 2 साल के दरमियान 1 साल मतलब जब निकला, मेरी बेटी 1 साल की हुई और मैं डीओ साहब में इंटर किया, मेरी लाइफ में डीओ साहब आया। मैं ये भी कहूंगा कि वो डीओ साहब में उसके कारण मेरे पास में डीओ साहब आया। अब जब डीओ साहब आया उस समय उस दरमियान मेरी वाइफ थोड़ा हमें थोड़ा सा परेशान रहती थी। अब छोटा बच्चा कभी बीमार पड़ता, कभी कुछ होता तो वो चाहती थी कि उसके फादर साथ में आए। मैं इंडस्ट्रीज से आ नहीं पाता था तो मैं अपने ड्राइवर को भेज देता था, तो ये चीज ना वाइफ को अच्छी नहीं लगी और धीरे धीरे वहां से नाराजगी व्यक्त होने लगी। तो मैं उनको यही कहता था कि तुम लोगों के लिए काम कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं, तुम लोगों के लिए काम कर रहा हूं। वो एक दिन हंसते हुए मेरे को बोली कि तुम अपनी बेटी से जिंदा रूप से कब प्यार करते? मैंने कहा 3 दिन पहले प्यार किया था। बोले अब कब करोगे? बोले 4 दिन 5। मतलब एक संडे का समय मुझे मिलता था जिसके अंदर मैं अपनी बच्ची से रूबरू में मिलता था कि वो हंसती थी, मैं हंसता था, रूबरू मिला। और ये मुलाकात होती थी संडे को 5:30 से लेकर 9:30 बजे के बीच, ये 4 घंटे। 4 घंटे के बाद उसकी माँ उसको लेके चली जाती थी। अब मेरी अपनी बच्ची से मुलाकात तो रोज होती थी परंतु जिंदा रूप से मुलाकात होती थी संडे संडे। मेरी वाइफ इसी बात को लेकर फेड अप थी कि यार क्या आप टाइम क्यों नहीं देते हो? तो मैं हंसते बोलता था टाइम दूंगा, चिंता क्यों कर रही है, टाइम तो तुम्हारे लिए ही है, बस थोड़ा मेहनत कर लेते, इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो जाते, फिर देख कितना बढ़िया काम होगा। मुझे नहीं पता था कि मैं एक दलदल में चला जा रहा हूं और मुझे नहीं पता था क्योंकि इसका ज्ञान मुझे नहीं था। ये तो डीओ साहब में आने का कारण हुआ, थैंक्स बोलता हूं उस सेमिनार का जिसके अंदर मेरे को साजिश करके भेजा गया। और इस सिस्टम में मतलब मेरे साडू भाई ने मेरी वाइफ का विजन क्लियर किया और वाइफ ने मुझे बड़ौदा के अंदर एक सेमिनार हुआ था, आज भी मुझे याद है, रोजरी स्कूल स्टेशन के जस्ट पास में, और उस प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया। उस प्रोग्राम के अंदर जैसा मतलब प्रोग्राम चलता रहा, सब कुछ हाँ हूँ करता रहा, मुझे कोई चीज टच नहीं किया कि मुझे कोई अच्छा चीज टच, पैसे है, ये है, वो है, सब चीज है, बट सबसे ज्यादा इफेक्ट किया लास्ट की 2 लाइनें। उसने बोला कि मैं अपनी बातों को विराम देता हूं इन 2 लाइनों के साथ। लोग जिंदगी में पैदा होते हैं, 2 तरह की जिंदगी जीते हैं बंदे, एक सवेरे उठते नहाते धोते तैयार होते हैं और सीधा काम पे चले जाते हैं और वापिस लौट के मतलब जब आते हैं घर पे तो वाइफ हाथ में थैला पकड़ा देती, जाओ सब्जी लेके आओ, और वापिस घर में आके सो जाता है, सवेरे फिर उठता है। मतलब उसका केवल जिंदगी वो काट रहा होता है, जिंदगी में जो जीना होता है जिसको कहते हैं लाइफ स्टाइल, वो लाइफ स्टाइल क्या होती है दोस्त? मेरी परिभाषा में लाइफ स्टाइल क्या कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी में घूमना, अच्छे होटल में जाना, मैं इसको लाइफ स्टाइल मानता था। परंतु दोस्त उस दिन मेरे दिमाग का पिक्चर क्लियर हुआ, उस स्टेज से खड़े हुए बंदे ने कहा लाइफ स्टाइल का मतलब होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, मैं खुश हो गया, मजा आ गया, अपने पास बहुत सारा पैसा है, और जिसको
परिवार को, समाज को और अपने अपने करीब के लोगों को समय देने के लिए समय हो, तो मेरी हवा उसी समय टाइट होगी, क्योंकि मेरी वाइफ तो मुझसे समय मांगती थी, चौधरी जी समय दीजिए समय दीजिए। और जब बंदा समय लगा रहा है, इंजॉयमेंट समय का कर रहा है, तो उस समय उसको डर ना रहे कि वापस पैसा आएगा कि नहीं आएगा। ऐसी जबरदस्त सिक्योरिटी हो, टाइम मनी एंड सिक्योरिटी जिस बंदे को ये एक साथ मिलती है, वही बंदा लाइफ स्टाइल जीता है। दोस्त वो चीज मेरे दिल में लगी कि संजय चौधरी जिंदगी में तू कर क्या रहा है। वहां का जो चीफ गेस्ट था उसने मुझे एक ही प्रश्न कहा था कि संजय चौधरी अगर खुदा ना खास्ता तेरी तबीयत में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो क्या तेरी वाइफ जाके इंडस्ट्री संभाल सकती है? मैंने बोला ना। तो बोले कौन संभालेगा? मैंने कहा वो मैनेजर। तो बोले कि मैनेजर तो इसी बात का इंतजार करता है सेठ हटे और हम चूना लगाए। तो बोले कि सिंपल सी बात, तू सोच तेरे पास में ना तो टाइम है ना सिक्योरिटी है, और जिस प्लेटफॉर्म पे तू काम कर रहा है, जिस इंडस्ट्री में तू काम कर रहा है, वहां पे 10 साल और भी काम करेगा तब भी तेरे को ये चीज नहीं मिलने वाली। अगर तेरे को ये टाइम मनी सिक्योरिटी अगर इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे चाहिए तो 4 घंटे निकाल और 3 साल दे, मैं गारंटी बोलता हूँ ये तेरे दरवाजे पे होगी और तेरे पास होगी। तो मैं दोस्त मैं बड़ौदा से निकल तो गया, परंतु 300 किलोमीटर का जो सफर था 4 घंटे का ट्रेन का, मेरे दिमाग में एक ही चल रहा था कि हाँ संजय चौधरी अगर बीमार पड़ा तो क्या होगा, हाँ संजय चौधरी टाइम कहां से लाएगा, मनी कहां से लाएगा, मनी तो तेरे पास आ जाएगी, सिक्योरिटी कहां से लाएगा। तो यही सोचते 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 मैं घर में आया और घर पे मेरी वाइफ यमदूत की तरह या देवदूत की तरह खड़ी थी और मेरा वेलकम कर रही थी। क्या फैसला लिया? मैंने कहा भगवान अंदर तो आंदे पानी तो पी लेते फिर मैं तेरे को बताता हूं। और वहीं पे ही फैसला किया वाइफ के साथ कि नहीं करना चाहिए, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है करूं क्या। बोले आप उस चीज को सोचने की जरूरत नहीं, आपको फैसला लेना है कि मैं आपको करना है कि नहीं करना। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रही है? बोले मैंने शास्त्रों में पढ़ा है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, आप जब तक फैसला नहीं करोगे आपका भाग्य नहीं बनेगा। मेरे को लगा कि मेरी वाइफ ये वाइफ वो नहीं है, ये बड़ौदा से कोई लीडर ने मस्त रूप से इसको मोटिवेट किया है और ये मेरे सामने खड़ी है। दोस्त उसका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि उसने उस समय मोटिवेट किया जब मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था और मोटिवेट किया। उन्होंने बोला तो आप तो तैयारी करो, आपका साडू भाई आके आपके बिजनेस को खड़ा करेगा। मैंने बोला अच्छा ऐसा होता है? बोले हाँ। तो मैंने कहा वाह कैसे? बोले एक्सपर्ट टीम हेल्प करती है बंदे को, एक्सपर्ट टीम जानती है कि डीओ साहब में इंटर करने वाला बंदा गधे का होता है, अंगूठा छाप होता है, उसको पता नहीं रहता किस तरह से बिजनेस को खड़ा करे, और वो एक्सपर्ट टीम उसको मदद करती है। आपके लिए एक्सपर्ट टीम तैयार बैठी है, बस आपके हरी झंडी का इंतजार है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, आपको फैसला लेना है। मैंने हंसते बोला कि डन, लिया, बुला उसको। अब वो साडू भाई आया, मैंने उसको बोला सबसे बड़ी समस्या मेरे पास टाइम नहीं है। तो हंसते बोला दुनिया में तो क्या बोलते हैं जो बेरोजगार बंदा है उसके पास भी टाइम नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ता है। तो मैंने बोला कैसे निकालूं? तो हंसते बोला 8:30 बजे घर से निकलना है। हाँ साहब 7 बजे घर से आ जाने का है, 7 बजे घर आ जाना और 7:30 बजे तक अपने नहा धो के खाना पीना जो पेट में डाल देना, और 7:30 से लेकर 11:30 बजे तक हम जो सबका काम करेंगे, हम उस घर में जाएंगे जहां पैसा और पढ़ाई की जरूरत है, और वहां मैं बात करूंगा, तेरे को केवल मुझे लेके चलना है, बाकी काम मेरा। मैंने कहा बस। बोले हाँ। मैंने कहा चलो चलते हैं, स्टार्ट आज से स्टार्ट करते हैं। और दोस्त उस दिन से स्टार्ट किया, काम करना चालू किया। करने के बाद 3 महीने के अंदर ही मेरा पिक्चर क्लियर हो गया था, क्योंकि 3 महीने की इनकम 3.5 लाख रुपए। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है, और मैंने उस चीज को पकड़ा और काम करना चालू कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था मेरी बच्ची को ज्यादा टाइम दूं। आज मैं अपनी बेटी का, आज वो बेटी हरिद्वार के एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर योग का एजुकेशन लेने गई है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और इस प्रोग्राम को चालू करने के पहले भी उसने कहा कि मुझे सेल्फी भेजो। मैंने सेल्फी भेजा तो बोला कि ठीक है पापा, ओके डन। हर सेमिनार के लिए अब नहीं है, वो काम वो अपनी उसकी माँ को दे गई, हर सेमिनार में ड्रेस तैयार करके रखती थी, ये पहनना ये पहनना ये पहन के जाओ। पर आज की तारीख के अंदर वो मेरे साथ में, मैं मैक्सिमम उसको टाइम दिया, सोमवार से लेकर शनिवार तक, एक संडे के दिन काम करने डीओ साहब में जाता था, बाकी अपनी लाइफ एंजॉय किया। हाँ डीओ साहब वो काम देते हैं जिसके ऊपर अगर आप सोच के आए हो जो, वो काम आपका पूरा होगा, गारंटी मेरा पूरा हुआ। परंतु एक चीज है, ईमानदारी बहुत जरूरत है यार,
यहाँ आपके ईमानदारी को चेक करने वाला कोई बंदा नहीं होता है, आपको खुद अपने आप को चेक करना है, आप और आपका जो गुरु वो रहता है, और वो गुरु भी बहुत दूर रहता है, वो क्या कहता है, ईमानदारी ईमानदारी। मैंने कहा किसके साथ, बोला अपने साथ, और मैंने अपने साथ ईमानदारी की, और करने के बाद आज नतीजा ये है कि जो भावी करोड़पति जो आज यहाँ इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं उनके सामने बोलने का मौका मिल रहा है, यही मेरी जिंदगी में आने का मेन कारण था। थैंक यू।